हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आर ऑडिट डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे बना हुआ है आपका इस पे 520, बट हम ऐसे की तो बातें ही नहीं करते, हम तो हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सर, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या है ये? सर, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द ऑडिट की बात करता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ हम बिगनिंग में भी करते हैं, प्लानिंग स्टेज पे भी करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी करते हैं और फाइनल रिपोर्टिंग स्टेज पे भी करते हैं। बुक में 520 के ऐसे में एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पे बात कर रहा है, लेकिन हम तीनों जगह करते हैं। सर, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वॉक थ्रूज करते हैं, फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, फिर हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं। सब्सटेंटिव टेस्टिंग का मतलब कि भैया मेरे को नंबर चेक करना है कि जो नंबर आ रहा है कैश एंड बैंक का, रिवेन्यू का या किसी भी खर्चे का, वो नंबर सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम डिटेल टेस्टिंग करते हैं, सैंपल निकालते हैं, फिर उन सैंपल के अगेंस्ट इनवॉइसेस और बाकी सारी चीज़ों को चेक करते हैं, सब ठीक है तो एक वर्क पेपर बनाते हैं। अब आप कहते हो सर वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या हम इनवॉइस ही देखते रहेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इस खर्चे को चेक कर लें और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर लूँ और मेरा काम भी हो जाए? तो सर, दूसरा तरीका होता है एनालिटिकल रिव्यू। आप उस काम को एनालिटिकली पूरा चेक कर लो उस नंबर को। सर, कैसे हम एनालिटिकली चेक कर सकते हैं? सर, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने कहा आप एक सर्विस देते हो, सिर्फ आप कोई सर्विस देते हो कस्टमर्स को, और सर्विस टैक्स का आज के दिन मार्केट में रेट है 14%। तो आपने अपना रिवेन्यू दिखाया हुआ है 1,00,000 रुपये, ठीक है, और आपने सर्विस टैक्स की जो लायबिलिटी पूरे साल में आपकी आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 40,000 रुपये। तो आप देख रहे हो कि 40,000 रुपये मेरा सर्विस टैक्स आ रहा है, जो कि 14% ऑफ रिवेन्यू होना चाहिए, और मान लीजिए रिवेन्यू आपकी 1,00,000 रुपये है, तो 1,00,000 पे 14% तो 14,000 होना चाहिए, फिर ये ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो आप क्लाइंट से डिस्कस करोगे, सर मैंने ना क्रॉस कैलकुलेट करके देखा, मैंने सर्विस टैक्स से रिवेन्यू निकाल के देखा या रिवेन्यू से सर्विस टैक्स निकाल के देखा, जो कि मैच ही नहीं हो रहा। तो ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? या तो आपने सेल्स कम बुक कर रखी है, रिवेन्यू कम बुक कर रखा है, या आपने सर्विस टैक्स ज़्यादा पे कर रखा है। तो इस तरह से एक एग्जांपल पहला, धीरे धीरे एग्जांपल थोड़े स्ट्रॉन्ग करूंगा। दूसरा एग्जांपल, सेम एग्जांपल एक्साइज के केस में ले लो। आपने भैया कंपनी के एक्साइज रिकॉर्ड्स को चेक किया, पूरा प्रोडक्शन डेटा निकाल लिया, प्रोडक्शन डेटा और आपने फिर एक्साइज वगैरह की लायबिलिटी निकाल ली, उसके बेस पे आपने देखा कि भैया इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था मेरा और प्रोडक्शन आपका मान लो बुक्स में कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब आपने एक एक चीज के बेस पर, सर्विस टैक्स के बेस पर या एक्साइज के बेस पर, इसका एक रिलेशनशिप है, ये जुड़ा हुआ है, एक्साइज जुड़ा हुआ है मेरा प्रोडक्शन से, सर्विस टैक्स मेरा जुड़ा हुआ है सर्विस से, जुड़ा हुआ है एक रिलेशनशिप है इनका आपस में। आपने इसको यूज़ करते हुए दूसरे का रिजल्ट निकाला और कंपेयर किया, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपने क्लाइंट के साथ बैठकर डिस्कस किया कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों मैच नहीं हो रहा है। आप जब भी सर ये सब काम करते हो तो आप एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस की लिमिट पहले डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसे निकालूंगा, अगर भैया डिफरेंस 10,000 के अंदर अंदर आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इससे ज़्यादा आया तो मैं क्लाइंट से डिस्कस करूंगा। तीसरा एग्जांपल देता हूं सर, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा, रेशियोज आपने पढ़े होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलती है कि एक यूनिट बनाने पर मान लीजिए 3 यूनिट ऑफ पावर लगेंगी, 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, इतना अदर एक्सपेंस लगेगा। आपने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन देखा कितना था, आपने टोटल प्रोडक्शन निकाला, उस प्रोडक्शन के बेस पे आपने कहा भैया इलेक्ट्रिसिटी खर्चा इतना होना चाहिए, पैकिंग मटेरियल का खर्चा इतना होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारी, ये सारे खर्चे इतने होने चाहिए। आपने पूरी एक लिस्टिंग बना दी प्रोडक्शन के डेटा के बेस पर, कैसे बना दी, क्योंकि आपस में दोनों लिंक्ड हैं, दोनों का रिलेशनशिप है। फिर आपने भैया P&L अकाउंट उठाया और देखा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और मेरा कितना आया, इतना, अरे डिफरेंस, आप गए क्लाइंट के पास भागे भागे, सर मेरा इतना आना चाहिए था, आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, डिफरेंस क्या रहा है? क्लाइंट कहेगा सर जो इलेक्ट्रिसिटी की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ आप जहाँ बैठे हो यहाँ पे भी तो एसी चल रहा है, ये एडमिन डिपार्टमेंट है। तो फिर आप कहोगे अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई, फिर आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे और फिर जो आपने रिजल्ट निकाला था और जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके साथ कंपेयर करने के बाद आप डिफरेंस को एक्सप्लेन करोगे कि भैया ये डिफरेंस है, ये इस वजह से है, अगर कोई फर्दर ऑडिट एविडेंस चाहिए आपको तो आप ले लोगे क्लाइंट से। सर फर्दर ऑडिट एविडेंस वाला भी एक एग्जांपल दो, एग्जांपल आपके सामने, आप एक आप
आपको जो आप जो क्लाइंट कर रहे हो उसको मार्केट में आए हुए 1 या 2 साल ही हुए हैं, और इंडस्ट्रीज उस तरह की इंडस्ट्रीज मार्केट में पहले से 10-12 साल से हैं। अब बाकी इंडस्ट्रीज़ का आप डेटा देख रहे हो, इंडस्ट्री कंपैरिजन कर रहे हो, और आपने देखा बाकी इंडस्ट्रीज़ का पैकिंग मटेरियल का खर्चा प्रोडक्शन का नॉर्मली 2% होता है, और आपने भी प्रोडक्शन का 2% इंडस्ट्री बेस बनाकर 2% निकाल दिया, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का आ रहा था 3.5%। फिर आपने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, क्लाइंट ने कहा सर वी आर न्यू इन द मार्केट, हमारे पास अभी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, हमारे पास एक मशीन लगती है, वो मशीन अभी नहीं है हमारे पास, वो लग जाएगी तब हमारा। तो आप उसके पूरे आंसर को रिकॉर्ड कर लोगे, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है वो डॉक्यूमेंट ले लोगे अपनी उस ओपिनियन को, उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। एनालिटिकल रिव्यू, इसको एक एनालिटिकल रिव्यू बोलते हैं। अब जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओ और आपसे पूछे कि वॉट इज़ एनालिटिकल रिव्यू, तो आपको 2 चीज़ें सर हमेशा याद रखनी है। पहला, एनालिटिकल रिव्यू में सर एक रिलेशनशिप होना चाहिए दूसरी आइटम के साथ, रिलेशनशिप है तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा, एनालिटिकल रिव्यू करने से पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस डेटा के बेस पे हमारा ये रिजल्ट होना चाहिए, तो हम एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप करते हैं। तीसरा, हम एक ऐसा लेवल डिसाइड करते हैं कि अगर इतना डिफरेंस आएगा तो हम छोड़ देंगे, इससे ऊपर अगर डिफरेंस आएगा तो हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चौथा, जिस डेटा के बेस पर हम एनालिटिकल रिव्यू कर रहे हैं, सर्विस टैक्स के डेटा, एक्साइज का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा, मार्केट इंडस्ट्री का डेटा, उसकी रिलायबिलिटी, सोर्स जिसके बेस पर हम काम कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एक्चुअल होने चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और आपका डेटा जो बेस डेटा है वही ख़राब है तो आप कैसे रिजल्ट निकाल दोगे, तो सोर्स डेटा आपका होना चाहिए, आपके लिए एनालिटिकल रिव्यू रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी एनालिटिकल रिव्यू से रिलेटेड जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। रेशियोज़ कंपेरिजन करते हो, अब आपके सामने मैं स्क्रीन रखता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें और हैं वो हम देख लेते हैं। SA520 बोलता है सर आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, ये क्या है सर, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। मैंने आपको बताया ना इंडस्ट्री कंपेरिजन वगैरह करते हैं तो रिलेशनशिप होना चाहिए, आप एक एक्सपेक्टेशन को डेवलप करते हो, ठीक है सर, जैसे कि प्रोडक्शन के बेस पर इतना खर्चा होना चाहिए, एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस की लिमिट बनाते हो कि इतना डिफरेंस मैं इग्नोर कर दूंगा, फिर डिफरेंस देखते हो कि आप करने के बाद उससे डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस को क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई और ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए वो ले लेते हो। आपका जो डेटा है सोर्स डेटा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज सर इनपुट ही खराब है तो आउटपुट तो खराब होगा ही होगा, और जो आप काम कर रहे हो वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको सर्विस टैक्स दिया, सोर्स डेटा आपका चालान रिटर्न हो सकता है, उसके बेस पर रिवेन्यू निकाला, कंपेयर सेम इन विद एक्साइज प्रोडक्शन का दिया। चलिए सर एक आध मिनट और लगाते हैं, आई हैव बुक, मैं उसमें पढ़ता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है फॉर योर रेफरेंस कंफर्टेबल लेवल के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर मीनिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। छोड़िए सर, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर कर सको आप, एंटिसिपेट कर सको, और इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन छोड़िए सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेरा कि सर जो मैं रिजल्ट निकालूँ एक्सपेक्ट करूँ वो मेरा मैच हो जाए आगे से, छोड़िए सर आगे चलो। ईयर एंड पे करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम नॉर्मली बिगनिंग में भी करते हैं और एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी करते हैं। और फिर उसके बाद सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में ये बोल रहा है क्या पॉइंट ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे, सोर्स डेटा देखोगे, डिफरेंस को क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे, आपके हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर कितना रेलेवेंट है। एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट विद फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, आप अगर निकालोगे और आपका रिजल्ट अच्छा निकल गया और आपने डिटेल टेस्टिंग भी कर ली तो आप अपने कंक्लूजन को सपोर्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिगेट, अगर आपका कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। सर रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ बताइए, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। बाय बाय।